उम्र छोटी है लेकिन सपने बड़े हैं। बेशक इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन सपना है देश की सेवा करने का, सपना है MBBS करने का। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, आजकल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं जो बच्चे अभी कम एज ग्रुप के हैं, लेकिन उनके सपने काफ़ी बड़े हैं। कुछ बच्चे UP से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ MP से, कुछ राजस्थान से, और काफ़ी अलग अलग स्टेट के बच्चे फ़ोन कॉल कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर। अब क्योंकि बच्चे अभी 9th में हैं, 10th में हैं या फिर 1st ईयर में हैं, तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती नीट एग्ज़ाम को लेकर। अभी क्या है कि तो बच्चे इतनी समझ नहीं है, दूसरी बात क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग और कोचिंग माफिया जो हर चीज़ बच्चों को कठिन बताते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि वो प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें। दूसरी बात, हर जगह का पैटर्न अलग है, यूपी का बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है, राजस्थान बोर्ड अलग है, तो ये बोर्ड का मैटर। और यहाँ पर क्योंकि गांव में भी लोगों को ये भी पता नहीं होता कि जो NCERT की बुक्स होती हैं वो किसी राइटर को प्रमोट नहीं करती हैं। NCERT सिर्फ एक पाठ्यक्रम है, डेट मीन्स कि एक वो पैटर्न है। तो इन सब सवालों पे आज हम बात करेंगे और मैं आपके एक एक सवाल को क्लियर करने का प्रयास करूंगा ताकि आप निडर होकर, बेफिक्र होकर नीट की प्रिपरेशन कर सकें। देखिए, आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की मैं हर बार बोलता हूं, जो ज़रूरी होता है वो होता है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर चाहत है कि आप MBBS करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, बस आपके अंदर लगन है कि भाई हमें MBBS करना है। अब दूसरी बात है कि जो बच्चे गांव से हैं वहाँ पर अभी उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है नीट एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम के क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, और अगर हम बात करें NCERT की बुक को लेकर तो किस राइटर की बुक लें, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। सबसे सिंपल बात तुम समझिएगा कि NCERT किसी राइटर को जो है प्रमोट नहीं करती है। किसी भी बुक पर अगर NCERT पैटर्न लिखी है तो वो बुक सभी अच्छी है। दूसरी बात, अगर NCERT नहीं मिल पा रही है, आपको कोई अदर बुक मिल पा रही है, अगर उस बुक में जो NTA ने अपनी ऑफिशियल साइट पर सिलेबस प्रोवाइड किया है वो चीज़ें मिल जा रही हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि बुक से सिर्फ आप थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। तो ये हेडक निकाल लीजिए कि आपके पास कौन सी बुक है, कौन सी बुक नहीं है। जो भी बुक है सभी बुक्स अच्छी होती हैं, बस आपको पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल ये आता है कि सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्ज़ाम में। तो यार, क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं तब जब आपको सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, टफ तब होता है जब आप पढ़े हुए नहीं होते हैं। अब अगर बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन को लेकर, देखिए जो आप हाई स्कूल में देंगे या प्री बोर्ड देते हैं या फिर 12th का बोर्ड देते हैं, उसमें जो है क्वेश्चंस लगभग एक रेशियो में आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल, कुछ होते हैं थ्योरी पोर्शन से, कुछ होते हैं न्यूमेरिकल्स। लेकिन नीट में क्या है कि यहाँ पर किसी बुक या किसी क्वेश्चंस की कॉपी नहीं होती है, रिपीट नहीं होते हैं, बस पैटर्न रिपीट होता रहता है। डैट मीन्स ये कि लगभग जो क्वेश्चन होते हैं 70% वो तो न्यूमेरिकल्स टाइप के होते हैं, 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी पोर्शन को ही घुमाकर पूछ देता है एग्जामिनर। तो आप किसी क्वेश्चन पैटर्न को लेकर न चलें, आपका जो उद्देश्य है वो सिंपल सा होना चाहिए। आपके पास जो भी बुक्स XYZ अवेलेबल है उसको आप लाइन बाई लाइन पढ़ें, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ें और हर एक डाउट क्लियर करें। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि अगर कहीं लाइन लिखी हुई है कि राम क्रिकेट मैच खेलता है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्रिकेट मैच कौन खेलता है या क्रिकेट जो है कौन खेल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन घूम सकता है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। भाई क्रिकेट राम खेल रहे हैं ना, तो राम ही खेलेगा, वहाँ पर श्याम तो नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही नीट के क्वेश्चंस भी होते हैं, जो थ्योरी जो थीसिस आपने पढ़ी है, जो फार्मूला आपको दिया गया है, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस हो सकता है कि आपको दो वैल्यू दी जाए, तीसरी निकालनी हो, या दो दी गई हैं उसी में तीसरी छुपी हुई हो, बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है। और जो आपको लोग भड़का रहे हैं ना नीट एग्जाम के पैटर्न को लेकर, उनका उद्देश्य आपके साथ बिजनेस करने का है। आपके सिलेक्शन से या सिलेक्शन ना होने से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उनके कोर्स को परचेज कर लीजिए, आप उनसे डरिए, उनसे पढ़िए, बस वो यही चाहते हैं। इसीलिए आपको हर चीज़ वो डिफिकल्ट बताते हैं। जो चीज़ें इतनी कठिन दिखती हैं इतनी कठिन होती नहीं है, बस हमको आसान बनाने के लिए प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपके पास तो मेरा नंबर भी है यार, प्लीज़ कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।